साथियों, लेकिन अब सवाल यह है, क्या हमने जो हासिल कर लिया है वो काफी है क्या? इसका जवाब सीधा और स्पष्ट है। आज जो हमने हासिल किया है वो सिर्फ और सिर्फ एक पड़ाव मात्र है, सिर्फ पड़ाव भर है। स्वच्छ भारत के लिए हमारा सफर निरंतर जारी है। अभी हमने शौचालयों का निर्माण किया है, शौचालय के उपयोग की आदत की तरफ लोगों को प्रोत्साहित किया है। अब हमें देश के एक बड़े वर्ग के व्यवहार में आए इस परिवर्तन को स्थायी बनाना है। सरकारें हो, स्थानीय प्रशासन हो, ग्राम पंचायतें हो, हमें सुनिश्चित करना है कि शौचालय का उचित उपयोग हो। जो लोग अब भी इससे छूटे हुए हैं उन्हें भी इस सुविधा से जोड़ना है। भाइयों और बहनों, सरकार ने अभी जो जल जीवन मिशन शुरू किया है उससे भी इससे मदद मिलने वाली है। अपने घर में, अपने गांव में, अपनी कॉलोनी में वाटर रिचार्ज के लिए, वाटर रिसाइकलिंग के लिए हम जो भी प्रयास कर सकते हैं वो करने चाहिए। अगर हम ये कर पाए तो टॉयलेट के नियमित और स्थायी उपयोग के लिए इससे बहुत मदद मिलेगी। सरकार ने जल जीवन मिशन पर 3.5 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का फैसला किया है। 3.5 लाख करोड़ रुपए, लेकिन देशवासियों की सक्रिय भागीदारी के बिना इस विराट कार्य को पूरा करना मुश्किल है।